वीकेंड सवालों का अंत, आपके सवाल सर श्री के जवाब। मिसिंग लिंक क्या होती है? मिसिंग लिंक क्या होती है? मिसिंग लिंक यह होती है कि शुरुआत कैसे हुई थी, शुरुआत कैसे हुई थी। यह विचार जब खो जाता है, कोई भी चीज की शुरुआत कैसे हुई थी, संसार बना था तो शुरुआत कैसे हुई थी, कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, शुरुआत कैसे हुई थी, जब शुरुआत लोग भूल जाते हैं तो उनको याद दिलाना होता है कि मिसिंग लिंक को पकड़ो। मिसिंग लिंक क्या है? कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। जब लोग सुनते हैं मिसिंग लिंक भूल जाते हैं कि चैनल से मत रखो, व्यक्ति से इच्छा मत रखो, जिसकी मदद कर रहे हो, जिसके साथ कर्म कर रहे हो उससे इच्छा मत रखो। अब ये मिसिंग लिंक मिस हो गई तो रिजल्ट आना बंद हो गई और लोगों ने उस शिक्षा को, उस टीचिंग को छोड़ दिया कि ये संभव नहीं है, ये कुछ ही लोगों के लिए संभव है, ये हमारे लिए नहीं है। तो मूर्खता पहली मिसिंग लिंक को मिस कर दिया, दूसरी मूर्खता फिर उस टीचिंग को भी छोड़ दिया, तो फिर वापस से कभी मिसिंग लिंक पकड़ने का मौका ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो हम क्या करें, मिसिंग लिंक जानने के लिए ये पूछे शुरुआत कैसे हुई थी। शुरुआत हो जाती है, नई नई चीज़ें जुड़ती जाती है, फिर जो नई चीज़ें हैं वो आकर्षित कर देती है और हम उन्हीं में ही खो जाते हैं। देश जब आज़ाद नहीं था सब मिलकर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेज चले गए। अब जब अंग्रेज चले गए तो देश को चलाने की जिम्मेदारी, तो किसी को कौन सी पोस्ट दी गई, किसी को कौन सी पोस्ट, तुम ये मंत्री बनो, ये तुम मुख्यमंत्री बनो, तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, प्रेसिडेंट बनो। अब जो नई नई चीज़ें होने लग गई, अंग्रेज तो चले गए, फोकस पहले पूरा उधर था, अब वो चला गया। अब लोगों की क्या बात चल रही, उसको वो मंत्री की सीट दी, मुझे नहीं दी, अच्छा उसको दिया फिर भी ठीक है, मर फलां को दिया, वो तो मेरे से भी गया गुजरा, नाकाबिल है, उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो उनको कोई याद दिलाता मिसिंग लिंक क्या है, ये हमने सत्याग्रह शुरू किया तो क्यों किया। तो जब याद दिलाया जाता है तो मूर्खताएं बंद हो जाती है। तो मिसिंग लिंक क्या है, मूर्खताएं बंद करवाने के लिए। फिर बाद में लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर मरते हैं और असली लक्ष्य से दूर हट जाते हैं। कैसे लोगों का भला होना चाहिए था उस आज़ादी से, अंग्रेजों को क्यों भगाया गया, क्या देश में लाना था, वह बात लोग भूल गए। फिर से याद दिलाया जाता है, मिसिंग लिंक बताई जाती है तो फिर पता चलता है। तो हर चीज़ में जहां मिसिंग लिंक मिस हो गई, यानी बुनियाद खो गई, फाउंडेशन खो गई, वहां पर फिर से याद दिलाना आवश्यक है। सवाल में पूछा था मिसिंग लिंक क्या है, तो मिसिंग लिंक वह चीज़ है जिसके खो जाने से उस चीज़ का लाभ मिलना बंद हो जाता है। ध्यान लोग कर रहे हैं, मेडिटेशन लोग कर रहे हैं, तप कर रहे, जप कर रहे हैं, अगर उसके अंदर की मिसिंग लिंक नहीं पकड़ी गई तो उन चीज़ों का वह लाभ नहीं होगा जिनके लिए वे ध्यान साधनाएं थी। तो फिर से हम मिसिंग लिंक्स को पकड़ रहे हैं, उसका लाभ हमें लेना है। तो अपने आप से सवाल पूछना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, किस बात को ध्यान में रखकर की गई थी। वो फिर से मनन के द्वारा, पठन के द्वारा, सवालों के द्वारा हम फिर से जान ले और पकड़ें। सेवा का मौका दिया, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। जीवन का असली सत्य क्या है, हम असल में कौन है, इंसान कहीं किसी धोखे में तो नहीं जी रहा, आज हमें जो सुख दुख महसूस होता है वह सच है या भ्रम, क्या आपको भी ये या इस प्रकार के सवाल सताते हैं। मनुष्य की संपूर्ण संभावना खोलने और स्वयं का साक्षात्कार करने हेतु बस ये सवाल भी काफी है। इनके जवाबों से आप केवल एक कदम दूरी पर हैं। जी हाँ, Enlightened Master सर श्री द्वारा लिखित स्वबोध दर्शन, आत्म साक्षात्कार का द्वार, विश्व की सबसे बड़ी ना मालूम समस्या और उसका सरल समाधान। यह पुस्तक आपके हर सवाल का जवाब है। अज्ञान और बेहोशी के चलते इंसान बाहरी सफलता को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लेता है,
परंतु असली जिंदगी में वह असफल ही रहता है और कभी जान ही नहीं पाता कि वह इस पृथ्वी पर क्यों है। यह किताब मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य और असली सफलता पाने का रहस्य बताकर आपकी आंखें खोलेगी। इस किताब में केवल किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि अनुभव जन्य ज्ञान का निचोड़ है। आज जो भी आत्म साक्षात्कार पाने की राह पर चल पड़े हैं, उनके लिए यह पुस्तक एक मेंटर का काम करेगी। छोटे सरल मगर गहरे संकेतों और कहानियों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करेगी। तो चलिए आज ही इस पुस्तक को ऑर्डर करें और स्वयं से स्वयं को मिलाने का संकल्प करें। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें +91 90110 13210 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।